वकील अगर पैरवी करने से मना करेंगे तो फिर मजलूमों की हिफाजत कौन करेगा, उनके लिए कौन आगे लड़ने आएगा, वो आदमी मुलजिम है कि नहीं है, टेररिस्ट है कि नहीं है, ये काम ये तय करने का काम कोर्ट का है। पुलिस को जो काम करना होता है वो अपना काम करे। अब जिसमें पुलिस अन्य नंबर डाल देती है वो उसमें एक तरह से पुलिस की लॉटरी हो जाती है। तो जिन केसेस जिन लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वो तो पुलिस अरेस्ट करती है और होने भी चाहिए, जिन्होंने दंगा फसाद किया है वो अरेस्ट होने चाहिए, लेकिन शक शुबे के बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बाजार में कोई आदमी चलता हुआ नजर आ रहा है, उसके हाथ में एक थैला है, वो अपनी सामान अपने घर की ज़रूरतें लेने जा रहा है, तो उसको आप सिर्फ इसलिए तो गिरफ्तार नहीं कर सकते कि वो उस मूवमेंट के अंदर बाजार के अंदर, बाजार में हज़ारों आदमी होते हैं। पुलिस करती ये है कि वो किसी भी मुलजिम से पूछती है भाई और कौन था उस वक्त बाजार के अंदर, तो वो कहते हैं साहब फलां आदमी को देखा मैंने, और पुलिस उसके घर पहुँच जाती है, उसको भी गिरफ्तार कर लाती है। तो ये गलत तरीका है। हमारे साथ एडवोकेट सआदत अली साहब इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सआदत साहब, सवाल ये है कि एडवोकेट की जो ज़िम्मेदारी है, अधिवक्ताओं की जो ज़िम्मेदारियां हैं उन पर बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जो वकील हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी इस तरह से बढ़ जाती है इन सारे मामलों में जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं। जैसे पुलिस कहीं पहुंच जाती है, किसी को गिरफ़्तार कर लेती है, उसको छुड़ाने में, उसका केस लड़ने में, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब कोई दंगे का मामला होता है तो उसमें जिस तरह से गिरफ़्तारियां होती हैं, कहीं 200 लोग गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, कहीं 300 से ज़्यादा गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, तो इन सारे मामलों को आप लोग किस तरह से देखते हैं और कैसे इनसे लड़ पाते हैं? देखिए, मैं आपको मिसाल के रूप में कहता हूँ कि जिस तरह करौली के अंदर दंगा हुआ, राजस्थान के अंदर रमज़ानों के महीने में दंगा हुआ, उसमें पुलिस ने 40 लोगों को नामजद किया और 70-80 अन्य कहा। अब जिसमें पुलिस अन्य नंबर डाल देती है वो उसमें एक तरह से पुलिस की लॉटरी हो जाती है। तो जिन केसेस जिन लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है वो तो पुलिस अरेस्ट करती है और होने भी चाहिए, जिन्होंने दंगा फसाद किया है वो अरेस्ट होने चाहिए, लेकिन शक शुबे के बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन हो रहा है, हो रहा है, तो हम लोग हमारी टीम वहाँ पहुँचती है और हम कहते हैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई आप हमें दिखाइए, आप अगर CCTV बेसिस के ऊपर इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप हमें बताइए क्या एक्ट है इसका। बाज़ार में कोई आदमी चलता हुआ नज़र आ रहा है, उसके हाथ में एक थैला है, वो अपनी सामान अपने घर की ज़रूरतें लेने जा रहा है, तो उसको आप सिर्फ इसलिए तो गिरफ्तार नहीं कर सकते कि वो उस मूवमेंट के अंदर बाज़ार के अंदर, बाज़ार में हज़ारों आदमी होते हैं, तो हम उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर भी अगर हमें लगता है कि नहीं पुलिस नहीं मानेगी, परेशान करेगी, तो हम ऐसे लोगों की तरफ से भी जिनको एप्रिहेंशन होता है गिरफ्तार होने का, हम उनको अग्रिम जमानतें लगाते हैं और उनको इस खौफ से बाहर निकालते हैं। सआदत साहब, आपने कहा कि जो अन्य लिखा जाता है FIR में, यानी अज्ञात के खिलाफ जो FIR दर्ज होती है उसमें पुलिस की लॉटरी होती है, तो ये किस तरह से होती है और इसको हम लोग क्या समझें कि जो FIR हमारे सामने आती है जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसमें लिखा जाता है 4 लोगों को नामजद किया, उसके बाद अज्ञात में पूरा मामला चला गया, तो उसमें पुलिस आज़ाद होती है कि कितने ही लोगों को गिरफ्तार कर सकती है या क्या होता है वो? नहीं होता ना, तो ईमानदारी से तो ये होना चाहिए कि पुलिस के पास में जो इन्फॉर्मेशन आती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान या जो उनके पास में सबूत आते हैं उसके बेस के ऊपर गिरफ्तार होते हैं। लेकिन पुलिस करती ये है कि वो किसी भी मुलजिम से पूछती है भाई और कौन था उस वक्त बाजार के अंदर, तो वो कहते हैं साहब फलां आदमी को देखा मैंने, और पुलिस उसके घर पहुँच जाती है, उसको भी गिरफ्तार कर लाती है। तो ये गलत तरीका है। मूवमेंट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, और ख़ासतौर से मैं आपसे अर्ज़ करूँगी, जहाँ करौली का दंगा था वो बाज़ार ही कुल 20 फुट चौड़ा है, और बाजार उस पूरे बाज़ार के अंदर लकड़ियों का काम होता है। तो मतलब इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि जब दंगा हुआ तो लोगों ने दुकानों से वो लकड़ियाँ उठा ली। तो जब अब जिसके हाथ में लकड़ी है चलिए उसको भी गिरफ़्तार कर लीजिए, लेकिन जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, बाज़ार में सिर्फ जाता हुआ दिख रहा है, उसके हाथ में पत्थर नहीं है, लकड़ी नहीं है, कोई हथियार नहीं है, तो उसको कैसे गिरफ़्तार करेंगे? लेकिन पुलिस करती है, क्योंकि पुलिस खौफ ज़दा करने के लिए लोगों को तंग करने के लिए भी ये काम करती है। तो ऐसे लोगों के लिए हम पहुंचते हैं और करते हैं। आपने कहा कि वकीलों पर भी प्रेशर बनाया जाता है, अधिवक्ताओं पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है, जैसे कोई NSA का मामला अगर हो रहा है तो उसमें कहा जा, आप अपनी स्पीच में कह रहे थे कि घर पुलिस आती है और कहती है कि भाई आप देशद्रोहियों की मदद कर रहे हैं, आप आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं। हाँ, ये हुआ है, लेकिन किसी भी मेरा कहना यह है कि किसी भी वकील को जो अपने क्लाइंट की पैरवी करता है उसको कोई खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और उसको करना चाहिए, उसको किसी भी इस किस्म के सवाल से घबराना नहीं चाहिए और अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी पैरवी करनी चाहिए। वकील अगर पैरवी करने से मना करेंगे तो फिर मजलूमों की हिफाजत कौन करेगा, उनके लिए कौन आगे लड़ने आएगा? तो हमारा अपना कहना यह है, अपने तमाम वकील साथियों से मैं कहता हूँ कि इस बात से कतई खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास में जो केस आ रहा है वो NIA का है कि PFI का है या किसी बम ब्लास्टिंग का है। हमारे पास में तो जो भी केसेस आते हैं वो कोई समाज का काम करने वालों के जाते नहीं हैं, तो वो आदमी मुलजिम है कि नहीं है, टेररिस्ट है कि नहीं है, ये काम ये तय करने का काम कोर्ट का है।
पुलिस को जो काम करना होता है वो अपना काम करे। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो कोई वकील जाके पुलिस से नहीं कहता कि साहब आप ये गलत कर रहे हो। तो पुलिस को भी जो है किसी भी वकील को इस बात से फिक्र में नहीं आना चाहिए, इस बात से डर में नहीं होना चाहिए। कुछ लोग खौफजदा हो जाते हैं कि भाई अगर हम PFI का केस लड़ रहे हैं या किसी पर NSA लगा है उसका केस लड़ रहे हैं तो कहीं हम पर भी रसूखा ना लग जाए, हम पर भी देशद्रोह का मुकदमा ना कर दिया जाए। मेरा ऐसे लोगों के लिए मेरा कहना है कि उन्हें किसी भी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। अगर रसूखा लगने का आपको डर है तो रसूखा तो कभी भी लग जाएगा, चलते फिरते भी लग जाएगा। जब जिनके जिम्मे आसान है, जब हिफाजत करने वाले खुद बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो फिर कोई क्या करेगा, तो जैसा भी होगा देखा जाएगा। अच्छा, इस बात से फिर जाकर क्या हकीकत रह जाती है इन सब चीज़ों की? नहीं आता, सुखाएँ लगती हैं, NSA लगते हैं, UAPA बढ़ते हैं, उनकी क्या हकीकत रह जाती है? नहीं, मैक्सिमम लोग बरी होते हैं। अब हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें उसको बरी होने के अंदर 10 साल लग जाते हैं, वक्त लगता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे रीजंस हैं उसके। ऐसा नहीं है कि कोर्ट काम नहीं कर रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इन केसेस के अंदर 150-200 गवाह हैं, अगर 200 गवाह हैं, 150 मुलजिम हैं, तो वो सबके हर मुलजिम का वकील उन 200 गवाहों से जिरा करता है, तो वक्त लगना लाजमी है। लेकिन और इन्हीं बातों की वजह से लोग डरने लगे हैं कि हमारे यहाँ केसेस को करने में टाइम लगता है। लेकिन इंसाफ मिलता है, इंसाफ मिलता है और हमें उम्मीद रखते हैं कि हमारी जुडिशरी से हमें इंसाफ मिलता आया है और मिलता रहेगा। चलिए शुक्रिया जी, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। सादत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, एडवोकेट हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वकीलों पर भी प्रेशर बनाने की कोशिश पुलिस के ज़रिए की जाती है और ये भी देखा जाता है कि वकीलों को अंडर प्रेशर किया जा रहा हो। अगर वो किसी पर लगे UAPA का केस लड़ रहे हैं तो उनको भी अंडर प्रेशर करने की कोशिश पुलिस के ज़रिए की जाती है, लेकिन इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अगर अपनी ड्यूटी निभा रही है तो वकील अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।